सर स्वल्प हिंदे बनी हिंदे बन प्रतिक्रिया ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರಿಯತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರು ಆಗಲೇ ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವರ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅವರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಜಾತಿ ಅಸ್ತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಆತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು ಭಾರತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಮಚ್ ಜಬ್ ತಕ್ ಘೋಷಿತ ನ ಹೋ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ That declaration has to come through parliamentary board. I don't know. BJP के अगेंस्ट में बंडा या अभ्यर्थी ईश्वरप्पा कड़को है उसके साथ आप बात किया ईश्वरप्पा करड़ी संगठन He is our man. He wants something more. We are a big party. We'll adjust everybody. We are not basically where will he go? He belongs to BJP. He'll stay with BJP. Let the time pass. Everything will be okay. किसका बात हमें मानता नहीं हमें इलेक्शन में करना वो तो बीजेपी का जो वर्कर होता है ना वो बीजेपी का बात मानता है वो बीजेपी का विचार का बात मानता है वो संघ की परंपरा का बात मानता है मानेगा ही कर्नाटक में 28 सीट में अब कितना बीजेपी सीट जीत 28 ही जीत सकते हैं 29 तो जीत नहीं सकते तो हम सारी 28 जीतेंगे सब अब वो जेडीएस के साथ आप मिल गए हैं ना वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा हम दोनों के लिए प्लस पॉइंट है उनके लिए भी हमारे लिए कोई भी अलायंस तभी होता है व्हेन इट सूट्स टू बोथ द पार्टीज इट सूट्स अस आल्सो एंड सूट्स देम आल्सो इट सूट्स कर्नाटका आल्सो वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट ऑल द कास्ट ऑफ कर्नाटका इतने दिनों तक हम लोग सुनते थे लिंगा आयत वो कलिंगा लिंगा आयत वो कलिंगा आज कर्नाटक के इतिहास में पहली बार फर्स्ट टाइम एवरीबडी इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वन पार्टी दैट इज द बिगेस्ट गेन वो कर्नाटक का जीत से बोल रहे हैं मोदी का हवा नहीं है इसके बाद इसके इस बार मोदी का हवा नहीं, नहीं।, नहीं। हमें 20 के साथ जीत जाएगा बस वो हमारे हिंदी में एक शेर है आई डोंट नो कैन यू ट्रांसलेट इन कन्नड़ा आर नॉट इब्तदाए इस कहे होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या द रिजल्ट्स विल टेल 4th June विल से किसका हवा है और किसका हवा नहीं है वो जीरो आएगा एक सीट भी कर्नाटक की जनता कांग्रेस पार्टी को नहीं देने वाली है एक सीट भी एक बार उन्होंने गलती किया है विधानसभा चुनाव में कर्नाटक की जनता बुद्धिमान जनता है एक गलती हो गई उनसे लोकल फैक्टर्स थे थोड़ी नाराजगी थी वो गलती कर्नाटक के लोग अब दोहराएंगे नहीं दे आर फैंस ऑफ मोदी जी
पूरा कन्नड़ का जमात जो है वो नेशनलिस्ट जमात है, वो राष्ट्र के साथ रहेगा, वो भाजपा के साथ रहेगा। बीजेपी जेडीएस नेता ने मिलकर क्यों प्रचार नहीं कर रहा? करेगा ना, अभी प्रचार शुरू कहाँ हुआ, प्रचार शुरू होने दीजिए, सब मिलके करेंगे, एक साथ करेंगे, दो बार एक दूसरे को। नरेंद्र मोदी आ गया उस बार, जेडीएस लीडर को नहीं। देखिए उस समय तक अलायंस फाइनल नहीं हुआ था, उस समय तक हम लोगों ने उनको फाइनली सीट नहीं दिया था। तो जब भी अलायंस होता है, जब तक सीट का फाइनल ना हो जाए, पार्टियों में अपनी अपनी एक रिजिडनेस होती है कि मुझे कितना सीट मिलेगा, कितना मिलेगा। अब हमने उनको दे दिया, हसन दे दिया, मांड्या दे दिया और कोलार दे दिया। अब जितने भी कार्यक्रम मोदी जी के, अमित शाह के, नड्डा के होंगे, हर कार्यक्रम में जेडीएस से जो सीनियर लीडर्स हैं वो सब मंच पे होंगे। हमने जो कल स्टार कैंपेनर की सूची भेजी है, उसमें सिर्फ भाजपा के लोग नहीं हैं, उसमें माननीय पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी का नाम, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी जी का नाम भी शामिल है, हमारे स्टार कैंपेनर्स हैं वो। सर, मंडे का संसद सुमलता टिकट मिलने की आशा पर बीजेपी को आ रहा है, तो इसमें गलत क्या है? अगर सुमन लता जी 5 साल हमारे सांसद रही हैं, भाजपा का समर्थन किया है और भाजपा से टिकट चाहती हैं, तो गलत क्या है? और जब भाजपा उनसे आग्रह करेगी कि हमने ये सीट जेडीएस को दे दिया, तो वो जेडीएस के प्रत्याशी को समर्थन करेंगी, हमको ऐसा विश्वास है, हम जानते हैं इसको। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल चुकी हैं, अच्छी महिला हैं, समाज में उनका सम्मान है, हम लोगों से बहुत अच्छे संबंध हैं, आने वाले समय में वो भाजपा की बड़ी नेता होंगी, हमें विश्वास है। अलग क्षेत्र पर क्यों टिकट नहीं दिया? देखिए हर चीज़ हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हम लोगों को पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिस्कस करनी है। और हमारी पार्टी में अगर आज किसी को कुछ नहीं दिया है तो कल नहीं देगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है सुमन लता के लिए हम लोग बहुत बड़ा रोल प्लान कर रहे हों, ये भी तो संभव है। आने वाले दिन में सुमलता को क्या स्थान देगा? ये नहीं बताते हैं। आने वाला दिन जो स्थान उनको देगा, आप देखेंगे, पूरा कर्नाटक देखेगा। मैसूर कुडगु लोग वोटर से पूछ रहे हैं, प्रताप सिंह को क्यों टिकट नहीं दिया? इसलिए कि प्रताप सिन्हा से बढ़िया प्रत्याशी हमारे पास हैं। ये जो मैसूर के राजा हैं, हम जिस कर्नाटका की बात करते हैं, सच क्या है, गोल्डन एज ऑफ कर्नाटका अगर किसी नाम से जुटता है तो मैसूर के राजा से मिलता है। जिस समय कर्नाटक बहुत पिछड़ा था, कर्नाटक को विकसित करने के लिए, पूरे बेंगलोर से लेकर मैसूर तक को विकसित करने के लिए, यहाँ शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए, यहाँ महिलाओं की शिक्षा देने के लिए, बैकवर्ड के अपलिफ्टमेंट के लिए, पूरा आर्थिक विकास करने के लिए, उद्योगों के निर्माण करने के लिए, इतने बड़े डैम को बनाने के लिए अगर किसी एक राजा ने सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी तो हमारे मैसूर के राजा थे। हमने उस मैसूर के राजा का सम्मान किया है क्योंकि हम आगे मैसूर का और विकास कराना चाहते हैं। प्रताप सिन्हा को नहीं दिया ऐसा नहीं है, आने वाले समय में प्रताप सिन्हा हमारे साथ हैं, आप उनके लिए एक बड़ा दायित्व तो देखेंगे। सर, कांग्रेस लीडर बोल रहा है कॉमन मैन बस राजा के बीच लड़ाई चल रहा है। ठीक बात है, जब से मैसूर के राजा प्रत्याशी बने हैं, मेरे पास फोटो आई है, सड़क पर बैठ करके वो कॉमन मैन के साथ चाय पी रहे हैं, आम नागरिक के साथ भोजन कर रहे हैं, तो वो ठीक कह रहे हैं। हमारा जो प्रत्याशी है वो कॉमन मैन है, और वो जो डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया है वो राजा है, तो उस राजा के बीच में और हमारे कैमन यदुवीर के बीच में लड़ाई चलेगा। ओके, थैंक यू।